नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको लेकर के आया हूँ एक ऐसा मॉडल जॉन डियर का जो सबसे ज़्यादा बिका है और आज भी सबसे ज़्यादा लोग डिमांड करके इसको परचेज करते हैं, जो कि है जॉन डियर का 5310 जॉन डियर पावर रिवर्सर B2 मॉडल है। दोस्तों ये जो इंजन है इसमें वो आपको वही नॉर्मल इंजन मिल जाता है। मार्च तक का टाइम कंपनियों को मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, मार्च तक जो पुराना स्टॉक है वो बेच सकते हैं। तो ये मॉडल आपके लिए अभी 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स के साथ है। 12 फॉरवर्ड स्पीड मिलेंगी और 12 रिवर्स मिलेंगी। फुली सिंक्रोनस का गियरबॉक्स है। सो अगर आप इसके लुक को देखोगे तो यहाँ से आपको यहाँ पे 5310 की ब्रांडिंग और वही येलो और ग्रीन कलर में जॉन डियर, यहाँ पे आपको हीट गार्ड लगा हुआ है। बात करें दोस्तों इसके टायर साइज के बारे में, तो जो आगे के टायर्स हैं वो 9/5/24 के और जो पीछे के टायर्स हैं वो 16/28 के ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो एक्सेल है पूरा जो है सील में आपको मिलेगा। यहाँ पे नट बोल्ट का कोई टेंशन नहीं, इसमें कोई भी मिट्टी है वो जाने का कोई भी टेंशन इसमें नहीं होने वाला। बात करें दोस्तों इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में, तो इसमें आपको 55 HP का 3 सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है जो अपनी मैक्सिमम पावर 55 HP निकाल के देता है 2400 रेटेड RPM पे। यहाँ पे इनलाइन फ्यूल पंप का सेटअप है, डबल डीजल फिल्टर है, पेपर वेस्ट क्लॉथ वेस्ट और पूरा सेटअप इनलाइन फ्यूल पंप का है। बात करें दोस्तों इसके पावर स्टेयरिंग के बारे में, तो एक बार दिखाएंगे जरा पावर स्टेयरिंग जो दे रखा है इसका। सिंगल सिलेंडर और डुअल एक्टिंग है, मतलब दोनों साइड में ऑपरेट होता है, क्योंकि ये हैवी एक्सेल है इसका आगे का और टायर्स भी बड़े हैं तो ज़्यादा पावर चाहिए इसको घुमाने के लिए। तो ये बहुत ही हैवी डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग यहाँ पे दे रखा है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा कुछ हमें व्यू देखने को मिलता है फ्रंट से। तो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो इस तरह से मिलेगा पूरा व्यू देखने के लिए, वही आपको साग फिन और एरोडायनेमिक लुक मिल जाता है। हेलोजन हेडलाइट्स का सेटअप है और जॉन डियर का लोगो यहाँ पे दे रखा है। बड़ी सी ग्रिल दे रखी है ज़्यादा से ज़्यादा हवा ट्रैक्टर में जा सके। और इसकी अगर मैं बोनट को ओपन करके दिखाऊं तो इस तरीके से पूरा बोनट ओपन हो जाता है। डबल जैक लगे हुए हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये जो है, ये जो आपको दे रखा है एयर क्लीनर, वो है ड्राई टाइप का दे रखा है, सूखा हुआ एयर क्लीनर है। यहाँ पे डुअल एलिमेंट दे रखा है इसमें, जिसमें हवा छन करके दो जगह प्योर 99% हवा ट्रैक्टर में जाती है। यहाँ पे दोस्तों डीजल कूलर, इंजन कूलर आपको दे रखा है, डबल चीज़ें दे रखी हैं जिसमें डीजल भी ठंडा होकर के जाता है और इंजन को कूल करने के लिए जो वो भी डबल यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं आपके लिए। बैटरी आगे लगी हुई है और इस तरह से पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा इंजन का पूरा सेटअप मिल जाता है। 3 सिलेंडर पूरा ट्रैक्टर है। दोस्तों इस साइड से अगर आप देखोगे तो वही पावर रिवर्सर B2 जॉन डियर 5310 की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। और यहाँ पे डबल पंप दे रखे हैं, पावर स्टीयरिंग का पंप है और आपको लिफ्टोमेटिक का पंप है। डीजल फिल्टर आपको दे रखा है यहाँ पे और ये आपका सेल्फ स्टार्टर मोटर दे रखी है जो कि 12 वोल्ट की है जो ट्रैक्टर को स्टार्ट करती है। और यहाँ पे बाटर सेपरेटर हो गया आपका और अंदर इसमें आपको अल्टरनेटर भी प्रोवाइड किया गया जो कि आपको अंदर मिलेगा देखने के लिए, वो भी 12 वोल्ट का आपको मिल जाता है। सो अगर बात करें दोस्तों ये हीट गार्ड के बारे में, तो हीट गार्ड जो क्या होती है, यहाँ की गर्मी है या उस वाले साइड की गर्मी है ट्रैक्टर पे ड्राइवर के पैरों तक ना जाए, इसलिए हीट गार्ड लगा हुआ है। और दोस्तों इसकी जो प्लेटफॉर्म है उसको भी काफ़ी बड़ा किया। आप देखेंगे जो CRDI में इंजन ट्रैक्टर बन रहे हैं उसी तरह का प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा कोई भी बदलाव नहीं है, इसीलिए इसमें कुछ ज़्यादा चेंज किए गए। और इसमें आपको डिफरेंशियल लॉक भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे ये डिफरेंशियल लॉक काफ़ी महंगी असेंबली होती है, हर ट्रैक्टर में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको डिफरेंशियल लॉक भी देखने को मिल जाएगा। ट्रैक्टर के ड्राइवर सीट पे बैठ के देखोगे कुछ इस तरीके का व्यू हमें देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे आपको काफ़ी छोटी पावर स्ट्रिंग आपको देखने को मिल जाती है, जॉन डियर का लोगो यहाँ पे दे रखा है। और डैशबोर्ड के बारे में बात करें तो इस तरीके से आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, फ्यूल मीटर, RPM मीटर, कितने घंटे चला हुआ है, ट्रैक्टर का टेम्परेचर, प्रेशर और गियर्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पावर रिवर्सर दे रखा है जो कि 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स है। इसकी मदद से आप इजीली, मतलब बिना क्लच दबाए भी ट्रैक्टर को आगे हल्का सा दबा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्लच प्लेट आपकी सेफ रहेगी। कभी कभी चाहें तो बिना क्लच के भी इसको फॉरवर्ड और आगे कर सकते हैं। 12 फॉरवर्ड और 12 आपको रिवर्स में मिल जाते हैं, पूरे के पूरे गियर्स हैं। सिंक्रोमैस का गियरबॉक्स है और ये आपको दे रखा पार्किंग लाइट और टर्न इंडिकेटर भी यहाँ पे दे रखे हैं आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो हेडलाइट्स के पूरे कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, रेस का लीवर, हॉर्न हो गया और नीचे इग्निशन हो गया, चाबी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, स्टॉपर वहाँ पे दे रखा है। तो अगर बात करें इसके राइट साइड में हमें क्या कुछ मिलता है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका मेन गियर का लीवर दे रखा है जिसमें आपको 4 गियर्स प्लस पार्किंग गियर दे रखा है। और इसमें देखो दोस्तों आपको हैंड रेस्ट भी दे रखे हैं, आप अपने हाथों को कभी रेस्ट रख सकते हैं आराम से, जो कि बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। और उसके बाद यहाँ पे आपको पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल के लीवर दे रखे हैं यहाँ पे, और ये आपका ऑक्सिलरी लीवर दे रखा है यहाँ पे। और दोस्तों बात करें इसके ब्रेक्स के बारे में, तो तेल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं जो सस्पेंडेड टाइप के हैं, जो काफ़ी सॉफ्ट हैं, कोई भी बहुत ही इजीली इनको आप ऑपरेट कर सकते हैं, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता और काफ़ी लंबी लाइफ होती है क्योंकि सस्पेंडेड टाइप के हैं। सस्पेंडेड होने का मतलब ही यही है कि आपको कम फोर्स लगाना पड़े और ईजिली ये ऑपरेट हो जाएँ। और बात करें इसके लेफ्ट साइड के बारे में, तो यहाँ पर आपको ABC आपको 3 स्पीड मिल जाती है इस तरीके से, 2 4 यहाँ पर और 4 3 12, तो ये 12 गियर्स मिलते हैं आगे और 12
पीछे आपको इससे मिल जाते हैं, ठीक है। सो अगर पीछे से अगर आप देखोगे तो यही आपको पीछे फेंडर आपको मिल जाते हैं, काफ़ी बड़े जो CIDI में आपको डिपर्स देखने को मिलते हैं वही काफ़ी बड़े चौड़े डिपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और फेंडर का साइज़ भी आपको काफ़ी थोड़ा सा बढ़ाया गया है, इसको पहले से 50-50D है उससे छोटे मॉडल से बड़ा साइज़ है। वर्किंग लाइट और यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए स्पेसिंग आपको दे रखी है। बात करें दोस्तों इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो इसमें आपको 20 क्विंटल तक वजन आप उठा सकते हैं इसकी लिफ्ट की मदद से। और बात करें इसके PTU HP के बारे में, तो उसमें आपको 46 HP का PTU मिल जाता है, जिससे अपना कोई भी इंप्लीमेंट जो PTU चलाता है उसे आप इसीलिए चला सकते हैं। 7-pin सॉकेट दे रखी है। पीछे ट्रॉली पे कोई लाइट अगर लगाना चाहते हैं तो इसकी मदद से इसे कनेक्ट आप कर सकते हैं। डबल ऑक्सिलरी लीवर आपको दे रखे हैं, ऑक्सिलरी पॉइंट दे रखे हैं, जिनसे आप कंप्यूटर माजा चलाना है या रिवर्सिबल प्लाव चलाना है तो वो इसके आप मदद से चला सकते हैं। बहुत ही तगड़ा आपको हाइड्रोलिक का सेटअप दे रखा है, लिफ्टोमेटिक का सेटअप दे रखा है, जो बहुत अच्छी सेंसिंग प्रोवाइड करता है हमारे लिए जुताई पे या खिंचाई पे, ठीक है। आपको यहाँ पे फाइबर का यहाँ पे डीजल टैंक दे रखा है, सो इसमें आपको लगभग 60 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है जो कि फाइबर का है पूरा। यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डीजल की वहाँ पे आपको मिलती है। यहाँ पे आपको मेटलिक टूल बॉक्स आपको दे रखा है यहाँ पे। सो दोस्तों ये था जॉन डियर 5310 पावर रिवर्सल का पूरा वीडियो, V2 मॉडल था। सो इसके बारे में अगर आपको कोई भी सवाल फिर भी रह गया तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर बात करें इसकी प्राइस के बारे में, आप इसको अगर खरीदना चाहते हैं तो कितने में खरीद सकते हैं, तो ये जो ट्रैक्टर है आपको वो ऑन रोड अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, क्योंकि जो प्राइस होता है वो दोस्तों बढ़ता घटता रहता है अपने स्टेट के हिसाब से या अपने ज़िले और डीलरशिप के हिसाब से। तो अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख रुपये में आप इसको खरीद सकते हैं। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे सोलंकी ट्रैक्टर्स पे आकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं, जो कि राया में है। सो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।